हेलो, आज हम एक पेंटिंग बनाएंगे ब्रश पेन से। पहले हम रेड कलर का ब्रश पेन से कलर करेंगे, उसके बाद हम ऑरेंज कलर से नीचे और ऊपर दोनों तरफ भी करेंगे। अब हम येलो कलर से बीच में पेंट करेंगे। अब हम इसको एक ब्रश और पानी की मदद से ब्लेंड करेंगे। दोनों तरफ ही हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हम नीचे की तरफ अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों कलर अच्छे से मिक्स हुआ कि नहीं। उसके बाद हम येलो से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, आउटलाइन सुंदर होना चाहिए। उसके बाद हम ब्लैक कलर से आउटलाइन जहाँ पर की है वहाँ पर हम कलर कर देंगे। उसके बाद हम ब्लैक ब्रश पेन से एक साइड से सुंदर सी ट्री निकालेंगे। उसके बाद हम मार्कर से और डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम ट्री को पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहले साइड का जो ब्रांचेस है उसको बना लेंगे, फिर जो ट्रंक का पार्ट है उसको भी हम बना लेंगे। अब हम वायलेट कलर से फ्लावर को ड्रॉ और कलर करेंगे। उसके बाद हम पिंक कलर के फैब्रिक कलर का यूज़ करेंगे। फिर हम पिंक कलर के फैब्रिक से फ्लावर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम डार्क और डीप, आप जो भी कहेंगे, ग्रीन कलर से हम पत्तियों को ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम लाइट ग्रीन से पत्तियों को ड्रॉ करेंगे, इससे और डिटेल्स बढ़ेगा। फिर हम ऑरेंज कलर से और भी कुछ फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। अब हम वाइट कलर की हेल्प से फ्लावर में और डिटेल्स ऐड करेंगे, उससे ट्री और भी सुंदर लगेगा। अब हम साइड से टेप निकाल देंगे, दूसरी साइड से भी निकाल देंगे। अब हम ऊपर की साइड की जो टेप है उसको भी हम निकाल देंगे। अब हम नीचे का साइड में जो टेप है उसको भी निकाल देंगे। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय।